नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका अपना 6 डे का वीडियो लेकर हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे एक और टाइप के पेरेंटिंग के बारे में जिसको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं और इसको ओवर पेरेंटिंग भी कहते हैं। ये आज की डेट का एक बहुत ही कॉमन स्टाइल है, स्पेशली जो बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहे होते हैं उनके पेरेंट्स हर चीज के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं और वो उनकी पढ़ाई से लेके, खेल से लेके, उनके फ्रेंड्स से लेके हर चीज को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हर वक्त वो बच्चे के आसपास मंडराते रहते हैं या फिजिकली या बाय फोन प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें क्या होता है वो बच्चे को डिसीजन नहीं लेने देते हैं, बच्चे की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम होती है, बच्चे का पीयर ग्रुप के साथ एसोसिएशन भी दिक्कत आती है और बच्चे को अपने डे टू डे चीजों को मैनेज करने में मुश्किल आता है। बहुत बार वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम सलाह लेके ही हर चीज करें, तो इस चीज का लाइफ टर्म लॉन्ग इफेक्ट रहता है और अल्टीमेटली क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में इशू रहते हैं, सेल्फ इमेज में इशू रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इशू रहता है और कल को ये बच्चे उस तरह से नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते हैं जैसे एक नॉर्मल बच्चे को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और ये आगे जाके भी अपने डिसीजन जो है कई बार नहीं ले पाते हैं और बहुत बार इनको सलाह लेनी पड़ती है कभी पेरेंट्स से, कभी अपने बॉस से, कभी और लोगों से जो भी इनको लगता है कि सोसाइटी में इनको सलाह दे सकता है उससे सलाह लेके ही फिर हर चीज करेंगे। तो ये ओवर पेरेंटिंग का एक बड़ा प्रॉब्लम है और ये डे टू डे हमारा आज के लाइफ में पड़ता ही जा रहा है। दोस्तों, इस तरह की पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए, इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट स्पेशली एडोलेसेंट्स पे होता है और लेटर ऑन जो यंग एडल्ट की लाइफ होती है उस पर होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।